So many artists here, and seeing the quality of art. It says that when art in a city thrives, the city is alive. So I think this is one sign of Bombay being alive and thriving. Very good. Mr. Ajay Nathruya, director of Fall Street Group, unfortunately he is not with us today because he couldn't make it to the show due to some urgent work. So, Shipali, nevertheless, excuse me, I'd like to take a picture if you don't mind. On behalf of many artists and all of you. I have a background person. So you should do it, you take a picture. No, my daughter's doing it, it's more than me. Yes, come on. Austin, come and take a picture of it. Are yaar, I am nobody. No. देखिए बहुत सारे अलग अलग कलाकार हैं हमारे साथ में. ट्राइबल आर्ट है, स्कल्पटर्स हैं जो बहुत सेरेमिक्स वाले हैं. अलग अलग प्रकार से वो लोग सेरेमिक्स के काम कर रहे हैं. इस बार हम लोगों ने सेरेमिक्स को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है क्योंकि वो एक सेक्शन है जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द आर्ट फैकल्टी. तो हम लोग चाहते हैं कि उसको भी प्रमोट करें. तो इस बार हमारे पास एक नया बंच आया है बहुत अच्छे इनोवेटिव आर्टिस्ट का जो सब सेरेमिक्स में अपनी कलाकृतियाँ बनाते हैं. उसमें सुल्ताना खान, वीना सिंह और सेजल सेठी जैसे बहुत सारे कलाकार हैं. और वैसे हमारे रेगुलर जो हमारे स्कल्प्टर्स हैं बहुत टैलेंटेड हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. रतन साहा जी हैं, सचिन चौधरी जी हैं, आर्टिस्ट इतने सारे हैं, पराग बोरसे जी हैं, अर्चना ठाकुर जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. विजय गिले जी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं. इनके काम हर किस्म से अलग अलग हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं है. प्रमोद कुलेकर जी हैं, वो ऑयल में काम करते हैं. तो इतनी लंबी लिस्ट है. अतुल भाले राव जी हैं, एब्स्ट्रैक्ट में काम करते हैं. तो कोई काम दूसरे काम से मिलता जुलता नहीं है. तो हंसा जेसानी जी हैं जो यहाँ पे इन्होंने पीछे डिस्प्ले करा हुआ है. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. फिर अर्चना का नाम दिखा सकें, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बॉम्बे जैसे शहर के लिए क्योंकि यहाँ पे लोगों को चित्रकला की कदर है. तो ये बहुत ही सही शहर है इस काम के लिए. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन. बहुत इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन है. बहुत कलरफुल पेंटिंग में, स्कल्पचर में, सिरेमिक में. वो देखकर बहुत खुशी होती है क्योंकि क्या होता है कोई बार स्कूल ऑफ आर्ट में से हम निकलते हैं और शो करना चाहते हैं. हमेशा 100% शो नहीं हो सकता है. तो आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते शो कर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है, ऑडियंस भी मिलता है और आप इनके फेवरेट हो जाते हैं, वो लोग आपके फेवरेट हो जाते हैं बायर्स तरीके. तो इट्स यू हैव टू प्रमोट द यूथ बिकॉज
when we started the gallery almost 47 years ago, we were the same age as we were. And because we all started life together, they were given a platform. Now they've gone ahead, they've become very established artists, they've become internationally renowned. So we have those artists with us also, but we also try to cultivate and develop younger artists from all over India. And we visit the art schools, we interact with the artists, we go to all their exhibitions, and it's like a pyramid. I think it's a tough profession to be in, like any other profession. जो कला मैं यहाँ देख रहा हूँ ये एग्जीबिशन में, जो आर्टिस्ट जो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये कला जिंदा है और ये हमारा समाज जिंदा है. और यही है कि जहाँ भी कला और कॉमर्स जो भी साथ में है, इस पूरे एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर जो हैं, जिन्होंने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा उठाया है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है कि कई सालों से ये करते आ रहे हैं, वो उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो लगन है, उसकी तो मैं दाद ही दूंगा. यही लोग जो है हमारी समाज और हमारी कला को जो है ऊपर लाते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं. थैंक यू. That's okay. Margaret message and make enlightened toward the society. So what motivates you to organize such an event since so many years? Motivates me? I like good work to be displayed. I want people to see good work. You know, so that is the motivation. Like if you see good work, you can't resist it. You want to put it up. You want to show the world what kind of creativity people have, you know. So it should not be kept inside homes, behind in drawing rooms, you know, confined to somebody's house or a limited space. Yahan pe itne log dekhte, lots of people see the work and the painter gets exposure. And you know what happens once the painter gets exposure second time? He understands, you know, that, you know, this is the improvement that he has to do, and he comes up with better work, which each exhibition the artist improves. So that's also a big advantage that the artist has when he puts up a work at the exhibition. So let's ask it this way, what is the motto and vision of your organization in this exhibition? Good art, basically, nothing more than that, because that's what all art is all. So, you know, this is encouraging them to buy art which is probably not, let's say, which is not a big name, but which is good. So for them to understand what good art is, they have to come to an exhibition again and again to see. Unless you see more and more work, how will you understand what is good and what is bad and make comparisons? Once you're aware of that, then you keep on, your understanding of art also improves. So in this way, the society also understands a good, they start having a good aesthetic sense about art, which is very required in our society. Seriously. It is something which should be taken very seriously. Artists work very diligently. They work with a lot of, you know, with a lot of dedication, hard work, just like anybody else, just like an actor. So of course it's a process, but once they are mature and they do good work, they get the benefits, of course. So if a painting is years down the line, the same work will be selling for 20, 50, so on and so forth. So basically, art is something which should be invested in, even by parents, very importantly, they'll understand the importance of good art. एक्चुअली पेंटिंग, स्कल्पचर, सिरामिक्स, सब कुछ स्कल्पचर है. टोटल एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा अच्छा आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट जो, हाँ, तो अच्छा वर्क किया है सब ने, तो अच्छा एग्जीबिशन है.